दोस्तों स्वागत है आप सब कड़ी में फटाफट विषय पर। मैं आपके सामने एक नई खबर के साथ जी आपको बता दें, बांग्लादेश में एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया। चटगांव के कंटेनर डिपो में आग लग गई जिससे 43 लोगों की मौत हो गई और 450 से अधिक या 500 करीबन लोग अधिक घायल हो गए। बांग्लादेश के चटगांव में शनिवार की रात बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के सीतांग कुंडा उप जिला में एक निजी इनलाइन कंटेनर डिपो ICD में विस्फोट के कारण लगी आग में कम से कम 45 लोग की मौत हो गई और 450 से 500 लोग घायल हो गए। जी आपको बता दें बांग्लादेश के चटगांव में, जी हाँ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने लोगों की मौत पर शोक जताया और बचाव अभियान के लिए सभी सुविधाएं जुटाने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने एक जांच समिति का गठन कर अगले 3 दिनों में रिपोर्ट देने की मांग करी है। चटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल CMCH पुलिस चौकी के सहायक उप निरीक्षक AI अलाउद्दीन तालुकदार ने बताया कि इस बार 10:15 पर इस घटना में 43 से 45 लोगों की मौत हो गई। शवों को मद्देनजर मुर्दा घर में रख दिया गया है। एक चश्मदीद ने फोन पर न्यूज खबरों में बताया कि डिपो काफी हद तक खाली था। आग लगने के बाद दमकल कर्मी, पुलिस कर्मी और अन्य बचाव कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और रसायनों से भरे कंटेनर में विस्फोट होने से उनकी मौत हो गई। जी हाँ आपको बताने की राहत बचाव कार्य में जुटे लोग रेड क्रिसेंट युद्ध चटगांव में स्वास्थ्य और सेवा विभाग के प्रमुख इस्ताकुल इस्लाम ने बताया इस घटना में 450 से 500 लोग अधिक घायल जिनमें से कम 350 CMCH में है। अन्य अस्पतालों में मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। जी आपको बता दें कि धमाके के बाद आग ने किया भीषण रूप। सब इंस्पेक्टर SI नूरल आलम ने कहा कि रात करीब 9 कंटेनर डिपो में आग लगी। जैसे ही फायर सर्विस यूनिट ने इसे बुझाने का काम किया एक धमाका हुआ और फिर आग फैल गई। SI नूरल ने बताया कि शुरू में आशंका जताई जा रही थी कंटेनर डिपो में केमिकल के कारण आग लग गई। जी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फैली आग। उधर पुलिस दमकल ने यह बताया कि कंटेनर डिपो के लोडिंग पॉइंट के अंदर रात करीब 9 लगी थी। रात करीबन 11:45 पर एक बड़ा धमाका हुआ। एक कंटेनर में रसायनों की मौजूदगी के कारण आगे एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फैल